ओपीएस को लेकर सरकार की तरफ से गठित कमेटी थी, कर्मचारियों के साथ बैठक हुई। इसमें कर्मचारी और कमेटी के सामने अपने सुझाव रखे गए। बैठक के बाद खबर फास्ट संवाददाता अनिल कुमार ने पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र धालीवाल से खास बातचीत की। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अहम बैठक आज हुई है, जो कमेटी गठित की गई थी और साथ ही पुरानी पेंशन बहाल जो संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ है। क्या चर्चा हुई आज जो बैठक हुई है सर? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि तीन बड़े अधिकारियों की आज कमेटी गठित की गई थी, उसके साथ हमारी मीटिंग थी। हम पहले भी जैसे अपने तथ्य लेकर पहुंचे थे, जब 20 फरवरी को हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ हुई थी, तो तब ये कमेटी गठित की गई कि उनके सामने आप अपने तथ्य रखें। हमने मजबूती से अपने सारे तथ्य रख दिए और हम क्लियर कर चुके हैं कि कर्मचारी जो 2006 के बाद नियुक्त है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये बार बार बदलावों का या बार बार अन्य के एक नई योजना लाने की बात जो आ रही है उसको हम बिल्कुल डिनाई कर चुके हैं। पुरानी पेंशन तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। उसको लेकर हमने 5 मार्च को दिल्ली में भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुला ली है, ताकि हम दिल्ली केंद्रीय स्तर पर दिल्ली के अंदर भी एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकें और उसके साथ जितने भी हमारे राज्यों में लगभग 24 राज्यों के अंदर हमारा आंदोलन जारी है, उन राज्यों में भी हम बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। और जैसे कि आप हिमाचल का उदाहरण ले लें, अन्य प्रदेशों का उदाहरण ले लें, वहाँ पर भी इस तरह की कमेटियाँ गठित हुई, वार्ता का दौर चलता रहा, लेकिन ना वहाँ हमारा आंदोलन रुका था ना आंदोलन यहाँ रुकेगा जब तक कि पुरानी पेंशन नीति जो की त्यों बहाल नहीं हो जाती। आपने आज कुछ तथ्य रखे कमेटी के सामने, उनकी तरफ से किस तरीके से देखा गया जो तथ्य आपकी तरफ से? एक चीज तो क्लियर है, उन्होंने ये बात तो मान चुके हैं कि एनपीएस में सोशल सिक्योरिटी इंप्लॉयज की नहीं है। एनपीएस एक, मैं पहले से कहता आया हूँ कि एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी कर सकता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और उसके बाद जब 40% हमारा अमाउंट एक एन्यूटी पेंशन प्लान खरीद कर दे दिया जाता है, उसका ब्याज मात्र पेंशन, और ब्याज को आप पेंशन नहीं कह सकते, ब्याज को ब्याज से आप सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकते। उसके लिए जरूरी है कि ओल्ड पेंशन के जो जितने भी बेनिफिट हैं ओल्ड पेंशन को लागू करके वो जो के त्यों दिए जाए। रही बात है, सरकार अपना शेयर कहाँ इन्वेस्ट करती है वो सरकार का है, हमें जो हमारा शेयर है हमारा 10% वो जीपीएफ में हमने कहा कि हमारा जीपीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाए और हमें सारे के सारे ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि त्यों लागू कर दिया जाए। और वो सरकार किस तरह से करती है वो निर्णय सरकार ने लेना है। अधिकारियों के सामने अपनी बात रख दी, उनकी तरफ से आया कि अगले सप्ताह और मीटिंग करेंगे। बार बार ये चीज़ें हमारे सामने पहले भी आई हैं, हमने भविष्य में भी देखा है, चाहे हिमाचल है चाहे अन्य उदाहरण है, कि कमेटियाँ गठित कर हो सकता है इस मामले को लंबा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा काम, हम अपना आंदोलन जो का त्यों जारी रखेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे जिला स्तर पर भी 5 तारीख को हर जगह मीटिंग होगी, सभी जिला स्तर पर वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि हमें आगे क्या कार्यक्रम देना है, क्या आंदोलन देना है। और पंचकुला का आप हमारा प्रदर्शन देख चुके हो, इससे भी बड़े प्रदर्शन करने के लिए हम आगे तैयार हैं और इसी तरह हम दिल्ली में भी हम इससे भी बड़े बड़े प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगली बैठक में आप शामिल होंगे जो अगले हफ्ते कहा जा रहा है बैठक? अगर अगला सरकार की तरफ से निमंत्रण आता है और कोई इसका समाधान वो निकालना चाहते हैं तो हम इसमें बिल्कुल शामिल होंगे, लेकिन अगर यही बात है कि केवल और इस मामले को घुमाने के लिए इसमें कुछ बदलाव की बात होगी तो इस चीज़ को हम डिनाई कर चुके हैं, तो उस चीज़ पर हम ना सहमत हैं और ना हो सके। धन्यवाद। तो यहाँ पर सुझाव जो है वो कमेटी की तरफ से ले लिए गए हैं। आला अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी और कर्मचारियों की तरफ से अपने सुझाव जो हैं वो कमेटी की तरफ रख दिए के समक्ष रख दिए गए हैं। फिर अगले सप्ताह एक बैठक जो है बुलाई जाएगी, लेकिन इससे पहले 5 मार्च को कर्मचारियों की तरफ से दिल्ली में एक बड़ा अधिवेशन है और उसमें तय की जाएगी कि आगामी रणनीति जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली को लेकर क्या रणनीति रहती है। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल।